नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भाजपा ने दी है निर्णायक सरकार। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार के दो साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को पार्टी को एक निर्णायक सरकार देने का श्रेय दिया और कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में किए गए सभी वादे बाकी के तीन साल के बचे कार्यकाल के दौरान पूरे किए जाएंगे। शाह ने रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के क्षेत्र में पिछले दो साल के दौरान मोदी सरकार की पहलों की विस्तार से चर्चा की। भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि संपर्क सरकार के 10 साल के दौरान घोटालों, स्कैंडलों और पॉलिसी पैरालिसिस का राज रहा। उसने खाली खजाना छोड़ा था, जबकि सत्ता में आने के दो साल के अंदर मोदी सरकार ने इन सभी हिस्सों में आशा पैदा की। भारत 400 लड़ाकू विमान खरीदेगा, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को बताया कि भारत 2030 तक 400 लड़ाकू विमान खरीदेगा। सिंह ने यहां केंद्र सरकार के दो साल पूरा होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान का उल्लेख करते हुए बताया कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने ये लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। उन्होंने पिछली संपर्क सरकार को रक्षा मामले में विफल बताते हुए कहा कि उसने अपने 10 वर्षों के शासनकाल में इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए। आतंकवाद का समर्थन बिल्कुल बंद करे पाकिस्तान, मोदी की नसीहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्लामाबाद से किसी भी तरह के आतंकवाद पर पूरी तरह रोक लगाकर अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि भारत पाक संबंध वास्तव में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, बशर्ते पाकिस्तान अपनी ही बनाई हुई आतंकवाद की बाधा को हटा दे। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को द वॉल स्ट्रीट जर्नल की वेबसाइट पर टिप्पणियां पोस्ट करते हुए कहा कि हम पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति की राह दोतरफा मार्ग है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे से लड़ने के बजाय भारत और पाकिस्तान को मिलकर गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहिए। तृप्ति देसाई पर नासिक में हमला। भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई पर शुक्रवार सुबह नासिक में कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले के बाद देसाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कपिलेश्वर मंदिर में गुरुवार को पूजा करने के बाद तृप्ति पर यह हमला हुआ। उनका आरोप है कि यह हमला सुनियोजित था, उनकी जान को खतरा है। गौरतलब है कि देसाई ने गुरुवार को कपिलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की थी, लेकिन उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। ममता बनर्जी दूसरी बार बनी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी ने लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शुक्रवार को शपथ ली। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने रेड रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम में 61 वर्षीय ममता बनर्जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके मंत्रिमंडल में 18 नए चेहरे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से 211 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।